दोस्तों, फैम पे पर अगर आपको जब भी आप वेरिफिकेशन करने का प्रयास कर रहे हैं, आपको ऑल सिम बाइंडिंग अटेम्प्ट एक होस्टेड, ठीक है, इस तरीके से कुछ एरर देखने को मिल रहा है, ऑल सिम बाइंडिंग अटेम्प्ट एक्स होस्टेड, ठीक है। तो इसका सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ये आपके सामने क्यों आ रखी है प्रॉब्लम और इसका क्या मतलब है, और बाद में ये भी बताऊंगा कि ये फिक्स कैसे हो सकता है, कैसे आप इसे ठीक कर सकते हैं। तो इसे समझिए, देखिए, जब भी आप अपने फोन जो फैम पे ऐप है उसको, अपना जो सिम है आप यूज कर रहे हैं उसको अलग अलग तीन डिवाइस में लगा के अगर आप वेरिफिकेशन करने की कोशिश कर लेते हैं, या वेरिफिकेशन आपका अगर हो भी जाता है, वैसे होगा नहीं, लेकिन अगर आप लगातार तीन डिवाइस, तीन मोबाइल चेंज करके वेरिफिकेशन कर लेते हैं जल्दी जल्दी में, तो उसके बाद होता क्या है, जो आपका फैम पे अकाउंट है वो 24 आवर्स के लिए ब्लॉक कर दिया जाता है टेम्परेरी, ठीक है, आपकी सिक्योरिटी पॉलिसी को लेके, कहीं आपकी सिक्योरिटी कुछ कमजोर ना पड़ जाए, इसलिए आपको जो है सुरक्षा, एडवांस लेवल की सुरक्षा देने के लिए आपका जो है ये जो फैम पे अकाउंट है वो 24 घंटे के लिए टेम्परेरी बंद किया जाता है। उसके बाद आपको फिर से मौका मिलता है, आप चाहें तो इसे चला पाएंगे, लेकिन अगर आप बहुत जल्दी जल्दी के अंदर, ठीक है, इसको तीन डिवाइस के अंदर वेरीफाई कर लेते हैं, जब वेरिफिकेशन करने की कोशिश करते हैं, तो भाई ये एक बार 24 आवर्स के अंदर ब्लॉक जरूर हो जाएगा, ठीक है, मतलब 24 आवर, 24 घंटे के लिए टेम्परेरी ब्लॉक कर देगा, परमानेंट ब्लॉक नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है, देखिए फैम पे जो है उसको ऐसा लग रहा है आपकी सिक्योरिटी को लेके कि कहीं हो सकता है कोई आपके साथ स्कैम हो रखा हो, जो आपका फैम पे अकाउंट बार बार अलग अलग डिवाइस के अंदर कोई पर्सन लॉग इन कर रहा है, तो इसलिए आपकी सुरक्षा को बढ़ाने के लिए वो यहाँ पे जो है 24 घंटे के लिए इसको ब्लॉक कर देते हैं। देखिए, चाहे आपका वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो या ना हो, चाहे हो भी गया हो 3 बार, ठीक है, तब भी आपको टेम्परेरी ब्लॉक करेगा, और इसमें आपको घबराना नहीं है, और इसका अब सॉल्यूशन मैं बता देता हूँ। तो इसके सॉल्यूशन, सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, आप 24 घंटे का वेट कर लीजिए। देखिए, ये जब भी ब्लॉक का मैसेज आपको मिला है आफ्टर 24, जिस टाइम भी मिला है उस टाइम से आप 24 घंटे का वेट कर लीजिए, बार बार आप ट्राई मत करिए, ठीक है। और जैसे 24 घंटे कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद आपको कुछ करना होगा। देखिए, करना क्या है, प्ले स्टोर में जाके आपको जो आपकी फैम पे ऐप है उसको एक बार ये चेक कर लेना है कि अगर इसके अंदर कोई अपडेट आया हुआ है तो बस इसे अपडेट कर लेना है, उसके बाद आप इसे ट्राई कर सकते हैं, और आपका जो वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाएगा, या फिर पहले से अगर आपका वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो चुका था लास्ट डिवाइस के अंदर, तो वो भी आपका वर्क करने लग जाएगा, आपको इस तरीके से ऑल सिम बाइंडिंग अटेम्प्ट एक्स होस्टेड वाली प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी, और यहाँ पे आप इस पेमेंट ऐप को इजीली यूज भी कर पाएंगे। तो आई होप इस वीडियो में दी गई जानकारी आप अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आई लाइक करना, चैनल पे पहली बार हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।